हेलो एवरीवन, आपका हिमांशु एक बार फिर आपके साथ आपके समक्ष एक ऐसी शख्सियत को लेके आया है जिसके ऊपर हमें सभी मेरठ वासियों को गर्व है। आज के उस माहौल में जब लड़कियों को सर्विस करने के लिए परमिशन बड़ी मुश्किल से मिलती है, हमारे साथ हैं दीपांशु। दीपांशु जो हैं पहली महिला बस कंडक्टर हैं और ये बहुत साहस का विषय है, ये इसे बहुत बढ़िया ढंग से काम को निभा रही थी। दीपांशु वेलकम आपका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में। कुछ बधाई के शब्द कहना चाहेंगे आप हमारे लिए? जी सर, आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके लिए थैंक यू। एक चीज़ और होती है कि आजकल अगर लड़की अविवाहित है तो इस तरह के कामों के लिए फैमिली का बैकग्राउंड जो भी है और उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, और ये तो विवाहित हैं तो इनके पति का सपोर्ट और ससुराल का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। वो आपको मिला पूरा? जी सर, मेरे हस्बैंड के बिना तो कुछ भी नहीं था। उनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। मुझे एक बेटा भी है, उसके बाद भी मैं अपने घर को भी संभालती हूँ और मैं जॉब भी करती हूँ। उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सल्यूट मैडम। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा अंतिम में कि कोरोना काल जो रहा, ये लॉकडाउन का पीरियड रहा, सभी लोग बड़े परेशान हो गए, उसके बाद भी परेशान हैं, तो आपको भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा? जी सर, मैं सिटी ट्रांसपोर्ट में सर्विस करती हूँ, उसमें मतलब जब हमारी बंद हो गई है तो उस कारण हमें कुछ माह से वेतन नहीं मिला है, उसके कारण हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। जी, तो आप गुहार कर सकती हैं हमारे चैनल के माध्यम से और हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। जी सर, मैं ये चाहती हूँ कि सरकार बिल्कुल देखे, बहुत सारे लोग हैं जो सुविधा पे काम कर रहे हैं, उनके कोरोना काल में उसके बाद भी कुछ माह से वेतन नहीं मिला, वेतन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, हम चाहेंगे इस चीज़ को कि आपकी जो गुहार है वो सरकार तक पहुँचे और आपका वेतन जो रुका हुआ है वो आपको जल्द से जल्द मिले। धन्यवाद। थैंक यू।